दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। गिरफ्तारी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अब सुनवाई करेगी। वहीं इससे लेकर हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण ने आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष संजीव नसियार से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है, साथ ही इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष संजीव नसियार। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हुए यह फैसला सुनाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ और थैंक्स करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की, कि ये सत्य की जीत हुई है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ईडी जिस तरीके से काम कर रही है वो पूरी तरीके से मेलाफाइडी तरीके से काम कर रही है, और वो नीचे वाली कोर्ट ने जब जमानत दी थी न्याय बिंदु जी ने, उसका उल्लेख भी किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरिम बेल देते हुए, क्योंकि संविधान पीठ में भेजा है, उसमें टाइम लगेगा, और ईडी कहीं पर भी किसी तरीके से भी कोर्ट के रिप्लाईज को सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी, इसी वजह से आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। ये संविधान पीठ तय करेगा कि क्या अरेस्ट की जरूरत थी कि नहीं थी, क्योंकि हम लोगों का ये ऐतराज है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड डायरेक्शन पे अरेस्ट हुई थी, अदरवाइज चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके के आरोप थे उसमें कोई अरेस्ट की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर जो हाई कोर्ट में सीबीआई के मामला लंबित है उस पर पड़ेगा? देखिए, ओवरऑल ये तो आप मान के चले कि ये पूरा के पूरा जो सो कॉल्ड लिकर स्कैम की बात करते हैं, ये ऐसे इस तरह का कोई स्कैम नहीं है। इनका सब चीजों पे असर डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई का मैटर और ये मैटर कहीं ना कहीं कनेक्टेड मैटर है। तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले में कब संविधान पीठ का गठन करते हैं और संविधान पीठ किन किन बिंदुओं पर सुनवाई करती है। लेकिन इनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का असर जो सीबीआई के मामले हैं उस पर जरूर देखने को मिलेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।